जहां मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन जनमानस को मुहैया कराने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के ही नुमाइंदे सरकार के दावों को पलीदा लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद प्रदेश से रिश्वत नाम की बीमारी हटने का नाम नहीं ले रही। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आए दिन प्रदेश के करीब तमाम विभागों से रिश्वत के मामले सामने आ रहे हैं। रिश्वत की ये बीमारी सरकार के तमाम दावों और वादों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। अब रिश्वत का ताजा मामला सामने आया प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से, जहां पर कोषालय विभाग के दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भोपाल लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और सहायक ग्रेड 3 के कर्मचारी नवीन विश्वकर्मा को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। पीड़ित रिटायर्ड शिक्षक का क्या कुछ कहना है, आप खुद भी सुन लीजिए। शासकीय प्राथमिक शाला चरौली में पदस्थ था, उन्हें दिनांक 31/5/2023 को सेवा में निरत हो चुका हूँ, जो कि मेरा पेंशन का प्रकरण इस कार्य में लंबित था, जिसकी एवज में मेरे को ये अपने नवीन विश्वकर्मा जी के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की गई। क्योंकि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ तो 10,000 बोले कि एक काम करो, 2,000 रुपये कम कर देते हैं। इस तरह 8,000 रुपये में हमारा सौदा तय हुआ और जिसमें 4,000 रुपये ये मेरे को ले चुके। इसके बाद पर 1,000 रुपये लिया और आज जो है इन्हें 3,000 रुपया प्राप्त किया, जो कि अभी भी मेरी पेंशन जो है पेंशन अभी मैं नहीं बनी है। बोल रहे हैं कि आपके कागज बम्बई गए हैं, 2-1 महीना बाद आपको पेंशन का प्रकरण होगा। तो सुना आपने, दरअसल शिक्षक दुर्गा प्रसाद राय हाल ही में शासकीय प्राथमिक विद्यालय से रिटायर हुए थे। दुर्गा अपने पेंशन का प्रकरण लेकर कोषालय विभाग पहुंचे, जहां पर प्रकरण निपटाने के एवज में ऑफिस के बाबू नवीन ने पहले 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। रिटायर्ड शिक्षक के दिव्यांग होने के कारण 8,000 रुपये में मामला तय हुआ। पीड़ित के मुताबिक आरोपी बाबू नवीन पहले 5,000 रुपये ले चुका था, बाकी के 3,000 रुपये पीड़ित आज देने ऑफिस आया हुआ था। जैसे ही पीड़ित आरोपी बाबू को 3,000 रुपये की रिश्वत देने लगा, उसी समय लोकायुक्त की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आश्चर्य की बात तो ये रही कि जब भोपाल लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही थी, उस दौरान रिश्वतखोर आरोपी बाबू नवीन बेखौफ होकर हंसता हुआ दिखाई दिया। हालांकि मामले को लेकर लोकायुक्त निरीक्षक विकास पटेल का कहना है कि आरोपियों पर आगे की कार्रवाई होती रहेगी। 18 जुलाई 2023 को आवेदक दुर्गादास राय जी लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में आए, तो जिन्हें शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ की कि मैं 31 मई 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद रायसेन से रिटायर्ड हुआ था, तो जिसका एनपीएस का पैसा मुझे निकलवाना था। तो जिला कोषालय कार्यालय में पदस्थ नवीन विश्वकर्मा द्वारा बताया गया कि आपके राशि निकलने के लिए 10,000 रुपये लगेंगे। फिर इनके द्वारा बोला गया कि राशि ज़्यादा है, तो इन्होंने बोला कि आप विकलांग हो तो 8,000 रुपये दे जाना। 4,000 रुपये ये 17 तारीख को दे आए थे, बाकी बचे 4,000 रुपये थे जो 25 तारीख को ये इनका पैसा आ गया था, 22 तारीख को एनपीएस का इनके अकाउंट में पेंशन की राशि रह गई थी। तो इनके द्वारा बात की गई तो इन्होंने कहा ठीक है आप सोमवार को आ जाना बाकी बचे पैसे लेके। तो 25 तारीख को इनने 1,000 रुपये और दे आए थे। फिर आज दिनांक को 3,000 रुपये की बात हुई थी, तो जो इनको 3,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों पकड़ा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनु व्यास सर के निर्देशन में कार्रवाई अभी जारी है यहाँ पे। जिस विभाग या कर्मचारी की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है, उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय की बिल्डिंग में जहाँ पर जिला का मुखिया यानी कलेक्टर बैठा हो, वहाँ पर रिश्वत कैसे ली जा सकती है। जब रिश्वत को लेकर जिला मुख्यालय के कार्यालयों का ये हाल है, तब दूर दराज जहाँ पर किसी का खौफ नहीं है, वहाँ पर लोगों से किस प्रकार की रिश्वत ली जा रही होगी। मुंबई महानगर के लिए रायसेन से दिनेश यादव की रिपोर्ट।